हेलो दिस इज सम इकबाल एंड यू आर वाचिंग अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। और आज मैं जिन दो बॉडी पार्ट्स को हिट करने वाला हूँ अगेन, जो कि आज मेरा सेकंड लास्ट सेशन होगा अपने 21 डेज फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का, उसके अंदर मैं ट्रेन करूँगा अपने ट्राइसेप्स को और प्लस अपने चेस्ट के मसल्स को। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वीडियो देखने स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो की अपडेट्स जो होंगी वो आपको उससे साथ साथ मिलती रहेंगी जैसे वीडियो अपलोड होगी। प्लस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चेस्ट की जो आज हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी केबल क्रॉसओवर का एंगल, जो कि मैं लगाने वाला हूँ रेजिस्टेंस बैंड्स के ऊपर। फर्स्ट सेट मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है अभी केबल क्रॉसओवर के एंगल के ऊपर, जो मैंने रेजिस्टेंस बैंड्स के ऊपर किया था। तो इस एंगल के अंदर जब मैं रेजिस्टेंस बैंड्स को नीचे यहाँ ला के रोकूँगा और इतना स्लो लगाऊंगा, उतना ज़्यादा ही मेरा बेहतर तरीके से लोअर चेस्ट के मसल को टारगेट कर रही होती है एक्सरसाइज। तो इसके साथ ही हमारे दो सेट्स कंप्लीट हो गए हैं अभी केबल क्रॉसओवर के एंगल के ऊपर, जो कि मैंने रेजिस्टेंस बैंड्स के ऊपर किया था। और इस फर्स्ट एक्सरसाइज के इन दोनों सेट्स के अंदर मैंने टोटल जो है वो 12 रेपिटेशंस रखी हैं ईच सेट। और जैसा कि मैं अभी आपको इस एंगल का बता चुका हूँ कि इस एंगल के अंदर जो आप रेजिस्टेंस बैंड्स को नीचे यहाँ पे ला के रोकोगे, या इवन आप अपने जिम के अंदर केबल पुली का एंगल लगा रहे हो, तो उसके अंदर आप उसको नीचे ला के रोकोगे आपके लोअर चेस्ट के मसल को डेवलप करती है। तो अब हम आ गए हैं अपनी चेस्ट के सेकंड एक्सरसाइज के ऊपर, जो कि मैं करने वाला हूँ ज़मीन के ऊपर, जो कि हमारा जिम के अंदर सिंपल जो बेंच होता है उसके ऊपर जो हम डंबल फ्लाइंग के एंगल करते हैं, अब मैं वो आपको ज़मीन के ऊपर करके दिखाने वाला हूँ। तो फर्स्ट सेट मेरा कंप्लीट हो गया है अपनी सेकंड एक्सरसाइज का आज की चेस्ट की। और इसके अंदर मैंने कॉम्बिनेशन किया दो गेम्स का, और जैसा मैं भी आपको पहले बता चुका हूँ कि ये था हमारा डंबल फ्लाइंग का एंगल, और इस डंबल फ्लाइंग के एंगल के साथ जो मैंने दूसरी गेम की थी अभी, दोनों जो उनसी हैं। फर्स्ट जो डंबल फ्लाइंग का एंगल है वो मेरी चेस्ट को डेवलप करता है पूरी चेस्ट को, बिकॉज मैं एक सेंटर पॉइंट के ऊपर उसका, उसके मिडिल पॉइंट के ऊपर मैं उसका फ्लाइंग एंगल लगा रहा हूँ, तो वो मेरी पूरी चेस्ट को डेवलप करता है। प्लस उसके साथ साथ सेकंड जो सी एक्सरसाइज है वो मेरी जो चेस्ट का इनर पार्ट होता है वो उसको डेवलप करने के लिए होती है। और मैंने 12 रेपिटेशंस दोनों की हैं और अपना एक सेट कंप्लीट किया।
तो इसके साथ ही मेरी आज की अभी चेस्ट की सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। वही बात है, मैंने उसके दो जो उनसे कॉम्बिनेशन किया मैंने दो गेम्स का। फर्स्ट जो थी उसके अंदर मैंने डंबल फ्लाइंग के एंगल के अंदर मेरी पूरी चेस्ट जो है वो इन्वॉल्व हो रही होती है। जब मैं इस पोजीशन पे लाकर अपने डंबल्स को रोकता हूँ, उसको स्लो लगाता हूँ, पूरा जोर डालना होता है अपने चेस्ट के ऊपर। जिस आप बॉडी पार्ट की गेम कर रहे हो, सिर्फ आपने उसी बॉडी पार्ट के ही जोर से आपने बोला, जो आप वेट जिसको आपने पुल करना है या जो आपने पुश करना है उस वेट को, आपने सिर्फ उसी बॉडी पार्ट के जोर के ऊपर आपने करना है। अगर आप चेस्ट आज लगा रहे हैं हम, तो जब मैंने डंबल फ्लाइंग लगाना है तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मेरे इस चेस्ट के अलावा कोई और मेरा मसल इन्वॉल्व ना हो उस वेट को उठाने के लिए, उस वेट को जोर लगाने के लिए। तो उतना ज़्यादा बेहतर आप अपने उस मसल के ऊपर जोर डाल सकते हो, उतना बेहतर आप अपना एंगल लगा सकते हो। तो थर्ड एक्सरसाइज जो आज हम चेस्ट की आज के सेशन की करने वाले हैं वो होगी लो केबल क्रॉसओवर का एंगल। तो फर्स्ट सेट मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है लो केबल क्रॉसओवर के एंगल के ऊपर। अब इस एंगल के अंदर जब मैं डंबल्स को ऊपर लाके इस एंगल के ऊपर रोक रहा हूँ, तो मेरा जो सा अपर चेस्ट का मसल जो होता है वो टारगेट हो रहा है इस एक्सरसाइज के अंदर। जितना स्लो लेके आगे ऊपर लाके इसको रोक के इतना स्लो नीचे लेके जाओगे, उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आपका चेस्ट का मसल टारगेट होगा जिसको आप टारगेट कर रहे हो। जिस तरह भी मैं आपको अपनी लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट में बता रहा था कि आपने जिस मसल की एक्सरसाइज करनी है, कोशिश करनी है कि आपने सिर्फ और सिर्फ उस मसल के जोर के ऊपर आपने वेट को उठा रहे हो। वरना नॉर्मली अगर किसी को एंगल का नहीं आइडिया होगा तो वो इस एंगल के अंदर भी उठाते हुए वो चेस्ट की जगह वो शोल्डर से भी वेट उठा सकते हैं। तो ये वाला एंगल जो है वो शोल्डर का एंगल बना के, तो फिर एक आपका फ्रंट का एंगल बन जाता है शोल्डर की एक्सरसाइज का। तो सिर्फ आपने जिस मसल की आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपने उस मसल से आपने पूरा वेट उठाना है। जिस तरह मैं चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो जब मैं इस वेट को उठाऊंगा तो मैंने सिर्फ चेस्ट के जोर से उठाना है, और उसी तरह मैंने स्लो उसको चेस्ट के ही जोर के ऊपर नीचे लेके आना है। तो उतना बेहतर तरीके से आपने मसल को टारगेट कर सकोगे, उसको डेवलप कर सकोगे। तो इसके साथ ही मेरा अभी सेकंड सेट कंप्लीट हो गया है, और आज के हमारे चेस्ट की ये सेशन की आज की हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी, थर्ड एक्सरसाइज थी। अब हम आते हैं अपनी ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज पर। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो आज के ट्राइसेप्स के सेशन की हम करने वाले हैं वो होगी ओवरहेड केबल एक्सटेंशन, जो कि मैं रेजिस्टेंस बैंड्स के ऊपर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट सेट मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है 12 रिपीटेशंस के साथ ओवरहेड केबल एक्सटेंशन का। और इसके अंदर जो दो तीन बातें जो ध्यान में रखने वाली हैं इस एंगल को करते हुए, पहली बात तो ये है कि आपकी जो कमर है वो हमेशा स्ट्रेट रहनी चाहिए इस एंगल के स्टार्ट से लेके एंड तक। क्योंकि अगर आप कमर में अगर आपके बैंड होगा, अगर आप इस एंगल पर लगा रहे हो ये वाला एंगल, तो अपनी कमर को बैंड करके तो आपकी कमर में इंजरी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपकी जो एल्बोज़ हैं वो हमेशा आपकी एक स्टैटिक पोजीशन में रहनी चाहिए, वहाँ से एल्बोज़ मूव नहीं करेंगी। एल्बोज़ से आगे वाला पार्ट जो आपका फोरआर्म वाला पार्ट है, सिर्फ वो मूव करेगा और आपके ट्राइसेप्स को टारगेट करेगा। और तीसरी और सबसे अहम चीज़ कि ये जो एक्सरसाइज है ये किस मसल को टारगेट कर रही है, तो ये आपके ट्राइसेप्स के लॉन्गर हेड को पर्टिकुलरली टारगेट कर रही होती है। वैसे इसके अंदर आपका पूरा ट्राइसेप्स इन्वॉल्व होता है, बट जो प्राइमरी मसल जो इसके अंदर टारगेट हो रहा होता है वो आपका ट्राइसेप्स का जो लॉन्गर हेड होता है, यहाँ पे बैक साइड पे ये वाला वो आपका लॉन्गर हेड टारगेट हो रहा होता है। तो इसके साथ ही दूसरा सेट मैंने अपना कंप्लीट कर लिया अभी अगेन 12 रिपीटेशंस के साथ। तो अपनी आज की इस ट्राइसेप्स की फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर मैंने अपना ट्राइसेप्स का जो लॉन्गर हेड है मैंने उसका पर्टिकुलरली टारगेट किया।
तो अब हम जो उनसे अपनी आज की ट्राइसेप्स की सेकंड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो होगी केबल एक्सटेंशन। फर्स्ट सेट मेरा कंप्लीट हो गया है अभी केबल एक्सटेंशन के एंगल के साथ, और मैंने रेजिस्टेंस बैंड्स के ऊपर आपको करके दिखाया है इस एंगल को। और इसके अंदर भी सेम वही दो तीन बातें हैं, आपकी एल्बोज कभी मूव नहीं करनी चाहिए, जिससे एक स्टेटिक पोजीशन में हैं उसी से नीचे जाओगे आप और अपने ट्राइसेप्स के एंगल लगाओगे। और दूसरी बात ये आपकी कमर जो है वो ऑल टाइम स्ट्रेट रहनी चाहिए, जिस पोजीशन में आप एक दफ़ा स्ट्रेट अपनी कमर रख लोगे आपने वहाँ से अपनी कमर को आपने बिल्कुल उसमें बैंड नहीं आने देना, वरना अगेन वही इंजरी के जो है वो कमर की इंजरी के चांसेस होंगे। और फिर आपको मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि कमर की इंजरी इतनी बुरी है, वैसे कोई भी इंजरी बहुत बुरी होती है, लेकिन कमर की इंजरी आपको एक दफ़ा आ जाए तो वो आपको कभी ना कभी आगे जाके लाइफ में तंग ज़रूर करती है। तो जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को केयरफुल होकर आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो उतना आपने अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करनी है, उतना आप अच्छा एंगल लगाओगे। मैं इसीलिए आपको एंगल्स के बारे में बता रहा हूँ। तो मैंने इसके 12 रेपिटेशंस किए हैं अगेन, और इस एंगल के अंदर जो मेन पार्ट आपका ट्राइसेप्स, अगेन पूरा आपके ट्राइसेप्स का मसल आपको टारगेट हो रहा होता है, बट आपके ट्राइसेप्स के मसल के अंदर जो आपका लेटरल पार्ट होता है ट्राइसेप्स का, ये वाला पार्ट इसके अंदर मेनली टारगेट हो रहा था। तो सेकंड साइड मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है अभी केबल एक्सटेंशन के ऊपर, और इसके अंदर जिस तरह मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर हम अपना ट्राइसेप्स का लेटरल पार्ट अपना हिट कर रहे होते हैं। तो अब हम आते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज की, जो कि आज के हमारे सेशन की भी लास्ट एक्सरसाइज होगी। तो हम आगे अपनी आज की ट्राइसेप्स की लास्ट एक्सरसाइज के ऊपर, तो फिनिशर जो मैंने आज की एक्सरसाइज रखी है वो मैंने रखी है डायमंड पुशअप्स की। फर्स्ट सेट मेरा कंप्लीट हो गया है अभी डायमंड पुशअप्स का, मैंने इसके अंदर 15 रेपिटेशंस किए हैं फर्स्ट सेट के अंदर। और ये जो एंगल है डायमंड पुशअप्स का, ये आपका सिर्फ आपके ट्राइसेप्स के लेटरल पार्ट को टारगेट नहीं करता, ये आपके लेटरल को भी टारगेट कर रहा होता है, ये आपके लॉन्गर हेड को भी टारगेट कर रहा होता है। तो ये आपका एक कंप्लीट पैकेज होता है आपके पूरे ट्राइसेप्स का ट्रेन करने के लिए। तो सेकंड सेट मैंने अपना कंप्लीट कर लिया अभी डायमंड पुशअप्स का, जिसके साथ ही हमारा आज का सेशन ट्राइसेप्स का भी कंप्लीट होता है, और आज की हम अपनी वीडियो को जो है वो एंड करते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते भी जाइएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की अपडेट आपको उसके साथ साथ मिलती रहे। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे चुका हूँ, अगर आप मुझे उसके ऊपर फॉलो करना चाहते हो, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं वहाँ पे शेयर कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बहुत कम कर सकूँगा, बिकॉज बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी होंगी जो डाइट से रिलेटेड या न्यूट्रिशनल वैल्यू से रिलेटेड होंगी या वर्कआउट की वीडियो से रिलेटेड होंगी, मसल कौन सा किस एक्सरसाइज के अंदर प्रॉपरली वर्क कर रहा होता है वो मैं उसके अंदर आपको पिक्चर्स के थ्रू भी बता सकता हूँ, मैं आपको वीडियोज़ के थ्रू भी बता सकता हूँ। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।